सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिनोवो टैब P11 के बारे में। जानेंगे क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होंगी जब इंडिया में लॉन्च होगी। 26 जुलाई को इसकी लॉन्च डेट सामने निकल कर आ गई है। काफ़ी बढ़िया बात है यार, काफ़ी अच्छी टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है। मैंने जब ये चाइना में लॉन्च हुई थी उस टाइम पर वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कभी इंडिया में लॉन्च होगी, तो फाइनली इसकी डेट निकल कर आ गई है। तो 26 जुलाई को अमेजोन प्राइम डे सेल के टाइम ये अवेलेबल होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी लॉन्च से पहले इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जानते हैं, साथ में गैस करेंगे इसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले से रिलेटेड, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 11.2 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले। तो दोस्तों 2K डिस्प्ले फुल एचडी प्लस से एक स्टेप फर्दर आगे होता है, तो मतलब उसके अंदर आपको और ज़्यादा अच्छी जो क्लियरिटी है वो देखने को मिलेगी, जो शार्पनेस है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा काफी बढ़िया होने वाला है इस टैबलेट के अंदर। और दोस्तों यहां पर आपको TUV रैनसील का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये एक IPS पैनल है, तो आपको जो कलर्स दिखाई देंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल दिखाई देंगे और काफ़ी निखर कर जो कलर्स आते हैं वैसे आपको कलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो आप इजीली आउटडोर में और चाहे या फिर इनडोर में आप इसको देख रहे हो, चाहे तो आउटडोर में देख रहे हो, काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम बाहर आउटडोर में बैठे हैं तो आपको सही से दिख नहीं रहा, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आप नेटफ्लिक्स HD में देख पाएंगे, Amazon Prime वगैरह जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आप HD में उनको स्ट्रीम कर पाएंगे। तो यार ये काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि टैबलेट के अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है, काफ़ी लोग फिर पूछते हैं कि इसके अंदर है अवेलेबल या नहीं है, तो यहाँ पर आप Netflix HD में देख पाएंगे, यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी दोस्तों बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब E7 के अंदर भी यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर मिड रेंज लेवल का एक प्रोसेसर है, लेकिन टैबलेट के हिसाब से यार देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है। तो यार ये प्रोसेसर आपकी जो डे टू डे टास्क है उनको तो अच्छे से हैंडल कर ही लेगा, साथ में इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं मीडियम ग्राफिक्स के अंदर। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, लो से मीडियम ग्राफिक्स में आप गेम खेल सकते हैं, मतलब वो एक तरह से खेलने लायक होगा गेम प्ले, ऐसा नहीं होगा उसमें आपको शटर्स दिख रहे हैं, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साथ में यहाँ पर आपको 6GB की LPDDR4X वाली रैम देखने को मिल जाएगी, तो आप मल्टीटास्किंग काफ़ी इजी तरीके से कर पाएंगे। 6GB यार काफ़ी ज़्यादा होती है टैबलेट के हिसाब से, आपको यूजुअली 4GB इस टाइप से देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 6GB की रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप काफ़ी अच्छे से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 128GB की UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, तो यह जो स्टोरेज की स्पीड्स होंगी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर EMMC वाली स्टोरेज यूज़ नहीं की गई है, यहाँ पर UFS वाली स्टोरेज यूज़ की गई है जो कि जनरली फास्ट होती है। दोस्तों जो UFS वाली स्टोरेज होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो आपको ओवरऑल एक इसमें अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, कोई भी आपको लैग स्टेटस वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको microSD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी मेमोरी जो टैबलेट की उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अंदर 512GB का चाहे तो मेमोरी कार्ड आप लगाएं, चाहे तो आप 1TB का मेमोरी कार्ड लगाएं, वो यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से लगा पाएंगे। बाकी दोस्तों कैमरास की बात करें, तो आपको बैक में देखने को मिल जाएगा 13MP का रियर कैमरा, तो यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, 13MP से आप काफ़ी अच्छे शॉट्स ले पाएंगे टैबलेट के हिसाब से, इसमें यहाँ पर आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। साथ में फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा 8MP का कैमरा, तो वीडियो कॉल्स के लिए 8MP काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त है, मतलब आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो आपको 7500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के थ्रू आएगी, मतलब टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप उसको चार्ज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो आराम से आप सम्मान लीजिए इसको 2 से 2.5 घंटे में आप अपने टैबलेट को 0 से 100 फुल चार्ज कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जैसे कि लिनोवो की टैबलेट में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, तो यार ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन UI देखने को मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लड बेयर एप्स देखने को नहीं मिलेगी, तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल आपको क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जो ये न्यू लिनोवो टैब P11 है। दोस्तों आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा 5.1, साथ में यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो 2.4 GHz वाला
वाईफाई हो या फिर 5 GHz वाला वाईफाई हो, दोनों ही कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको एक अच्छी चीज़ और है कि स्टाइलस का सपोर्ट देखने को मिलेगा इनबिल्ट, तो यार उसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे से नोट्स ले पाएंगे। इसमें आपको स्टाइलस से रिलेटेड कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें काम कर पाएंगे। तो ये जब टैबलेट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या आप उसमें काम कर सकते हैं या फिर नॉर्मल नोट्स वगैरह ले सकते हैं पाम रिजेक्शन के साथ। तो बाकी दोस्तों जैसी टैबलेट लॉन्च होती है ये तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टाइलस का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, साथ में इनबिल्ट स्टाइलस भी देखने को मिल सकता है। तो यार काफ़ी बड़ी चीज़ें आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएंगी इस टैबलेट में, यानी कि आपको एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिलेगा ओवरऑल टैबलेट में, जहाँ पर आपको स्टडी पर्पज के लिए हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल सकता है डॉल्बी एटमोस के साथ। तो यार ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी, यहाँ पर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना कि लिनोवो की टैबलेट के अंदर इतनी अच्छी जो साउंड क्वालिटी है वो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी में इंप्रूव किया गया है डॉल्बी एटमोस के साथ। आपको क्वाड स्पीकर्स दिए जाएंगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको ओवरऑल साउंड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्यूबी रैनसील्ड का सर्टिफिकेशन तो देखने को मिलेगा ही। तो यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो लिनोवो ऑलमोस्ट अपनी टैबलेट में अब न्यू जो टैबलेट आ रही है कवर कर ही देता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड भी देखने को मिल सकता है। अब इसकी प्राइस अलग से लोग रखेंगे कि ये आप अलग से बाई कर सकते हैं या फिर टैबलेट के साथ ही लॉन्च करेंगे, ये अभी क्लियरिटी नहीं है, जब टैबलेट लॉन्च होगी तब ये पता चलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर आपको कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा और टैबलेट के लिए, साथ में स्टाइलस भी देखने को मिलेगा और टैबलेट भी देखने को मिलेगी। तो यार ये चीज़ या तो कॉम्बिनेशन में आ सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अलग से जो कीबोर्ड है और स्टाइलस है वो बाई करना पड़ेगा कि टैबलेट आपको सिंगल पीस टैबलेट देखने को मिले, इस टाइप से भी पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई मोरलेस यही आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी, कोई भी आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिले। करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की, तो यार लिनोवो इसको पक्का प्रीमियम साइड पर ही लॉन्च करने वाला है टैबलेट को, ये बजट रेंज की आपको टैबलेट देखने को नहीं मिलने वाली है। मेरे को जहां तक लगता है ये ऑलमोस्ट आपको 30,000 rupees के अप्रोक्स ये टैबलेट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल सस्ती नहीं आती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है ऑलरेडी। तो और बाकी चीज़ यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर वगैरह वो भी ठीक ठाक दिया गया, अच्छा दिया गया मैं बोलूँगा, स्टाइलस वगैरह दिया जाएगा, साथ में कीबोर्ड वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ये टैबलेट कोई बजट रेंज की टैबलेट होने वाली है। ये अप्रोक्स आप मान के चलिए इसकी प्राइस आपको 30,000 rupees के अप्रोक्स जरूर देखने को मिलेगी। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जब ये 26 जुलाई को जिस दिन अमेजोन प्राइम डे सेल है वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा और हो सकता है आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी देखने को मिले चैनल पर। तो दोस्तों इस टाइप से ये टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है। अब प्राइसिंग का यार जैसे ही क्लियर होता है मैं आप वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।